हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अर्न मनी जॉब्स। हां जी, आप अपना रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है इनइक्वालिटी। ठीक है जी, आज अपना सेकंड डे है इनइक्वालिटी का। कल मैं तुम्हें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करवाए सी, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए सी। मैं तुम्हें पहले ही गल कही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट ने। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जिन्होंने तक तुम समझ नहीं आएंगे तुम ए वाली चीजा बहुत औखिया लगनगियां। अगर कोई मतलब आज ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो 34th लेक्चर देखो इनइक्वालिटी। उनके विच मैं तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किए हुए हैं। जे वो क्लियर कर लोगे उनके तो टाइम कंज्यूम कर लोगे, फिर इन्होंने टाइम कंज्यूम इना नहीं होगा। ठीक है, चलो कम टू द क्वेश्चन। आज आप कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं, फिर उस तो बाद आप कोई मतलब नेक्स्ट चीज पे आवांगे। क्लियर है? देखो चलो। हां जी, अपने को की दिता हुआ है उन्होंने, एफ इज लेस देन इक्वल टू एम चेक करने क्या होया। ठीक है, एफ इज लेस देन इक्वल टू एम, मैं करना एफ ते एम दे विच रिलेशन चेक। क्लियर है? पर मेरे को एफ ते एम दोनों ऑपोजिट विच है, मतलब ए फर्स्ट स्टेटमेंट है ए सेकंड स्टेटमेंट, मतलब दो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है। मैं की करूंगी, कॉमन एलिमेंट देखना है। कॉमन एलिमेंट कौन है? एन। मतलब मैं पहला एफ तो लेके एन तक चेक करूंगी, फिर एन तो लेके एम तक चेक करूंगी। ठीक है, चलो मैं एफ तो लेके एन तक आ गई। क्लियर है? फिर उस वक्त मैं एन तो एम जाना है, सेम डायरेक्शन विच तुहाडे कोल जा रहे ने, यस और नो? मैं तुहानू कहा साडे कोल सेम डायरेक्शन जा रहे ने, बट रिवर्स है, उल्टी है ना, उल्टी है ना। तो तुसी की कर देना, तुहाडे कोल आंसर एक्चुअली दे विच की आ जाएगा? ग्रेटर देन, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेटर देन। तुसी बट रिवर्स चेक करना है, मतलब तुसी सॉरी तुहाडे कोल लेस है, तुसी रिवर्स चेक करना है, रिवर्स ग्रेटर आएगा, पर इथे इक्वल टू इस करके फर्स्ट वाला डायरेक्टली की हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी गल? मैं तुम की गल कल कल भी मैं तुम्हें जी एग्जाम्पल करवाई सी, थर्ड एग्जाम्पल भी मैं तुम्हें यही गल ही दसी सी कि ए तुसी मतलब एफ तो एम तक चेक करना है, तुसी रिवर्स उल्टे आ रहे हो, योर मतलब जेडी थोड़ी सारी डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन जा रही है, सब साइन इधरली डायरेक्शन दे विच है। ठीक है, तुहाडे को केड़ा निकल के आएगा साइन? ग्रेटर दैन निकल के आएगा। ठीक है, ग्रेटर दा रिवर्स की तुहाडा अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेटर निकल के आएगा, जिड़ी चीज निकल के आई तुसी उन्दी उल्टी कर लेनी है, उन्दी रिवर्स कर लेनी है। ग्रेटर निकल गया तुहाडे कोल की हो गया लैस, बट इत्थे की लैस दैन इक्वल टू साडा की हो गया कंक्लूजन गलत फर्स्ट। चलो कम टू द नेक्स्ट, हुण असीं सेकंड चेक करने हैं, जेड इज लैस दैन एक्स करना है। अगेन जेड ते एक्स सैपरेटली है, कॉमन कॉमन केड़ा होएगा दोनों विच? एन ही है दोनों विच कॉमन। ठीक है, मतलब पहला असीं जेड तो एन दे विच आवांगे, ठीक है, फिर असीं एन तो एक्स तक जावांगे, यही गल है ना। मैं जो जेड तो एन तक आई, फिर एन तो एक्स गई, मेरे को आ साइन आया अकॉर्डिंग टू मेरी स्टेटमेंट। मैं ए साइन का की लेना है? मैं रिवर्स कर लेना है। क्यों मैं रिवर्स कर लेना है? क्योंकि मेरे को बैकवर्ड डायरेक्शन चल रही है चीज, मैं रिवर्स कर लिया तो मेरे को आंसर की आ गया ठीक, तो मेरी कंक्लूजन की आ गया टू फॉलोअर्स हो गया। मैं तुम कल भी गल की सी, जे किसी ने नहीं करना आता, यू जस्ट ड्रॉ द रिलेशन हेयर, मतलब तुम जी तो लेके एक्स चेक करते पे हो, तुहाडे कोल साइन एक आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है, यस और नो? यही आ रहा है, तो तुहाडे कोल की आ जाएगा? इधर एक्स इधर जी है, इदा आ जाएगा। इतने चेक कर लो, एक्स के वाल की है ग्रेटर है, तो ग्रेटर है, जी लैस है, साडा आंसर की है बिल्कुल ठीक। क्लियर है? तुहाडे कोल मैं तुम दो चीजा दस दी जी तुम ईजी लगती है, जो तुहाडा मैं तुम अगेन एक्सप्लेन कर रही हूं, जो तुहाडा बैकवर्ड चीज चलती है पहला तुम स्टेटमेंट्स तक चेक कर लो कि सेम डायरेक्शन जा रहा है, जा रहा है दोनों पास सेम डायरेक्शन जा रहा है। ठीक है, जो तुहाडा आंसर निकल के आंदा उन्दे विचों ओ वाले साइन का की कर लो, रिवर्स कर लो। मेरा इन्दे चो की निकल के आया सी ग्रेटर दैन, मैं लैस कर लिया, मैं लैस चेक किया, मेरी आंसर बिल्कुल ठीक सी। पर अगर अगर किसी ने इदा नहीं करना, तुसी जी तो एक्स तक चेक कर रहे हो, मतलब जी इधर है तो एक्स इधर है, यही गल होगी। तुहाडे कोल साइन केड़ा आएगा? ए वाला, क्योंकि इन्हां तिन्नां विचों केड़ा साइन आएगा? आही आएगा ना, डेफिनेट साइन आएगा ना, इक्वल टू दे वैसे कोई वैल्यू नहीं हैगी, ए इनडेफिनेट डेफिनेट आ गया, तो इनका की है? मैं चेक कर रही हूं, मेरे को जी लैस ही है, एक्स मतलब ग्रेटर ही है। क्लियर है? तो मेरा आंसर की हो जाएगा टू फॉलोस। क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट, यस हुण इहदे विच देखो, करिए चेक, आपा कंक्लूजन डायरेक्ट चेक करना, एक्स ते जे दे विच रिलेशन चेक करना है। मेरे को दोनों चीजा दोनों पासे सेपरेट है, मतलब कॉमन देखना है, मेरे को जेड कॉमन है दोनों विच, मतलब मैं पहला किन्दे को जाऊंगी, एक्स तो लेके जेड तक जाऊंगी, इधर जाना पड़ेगा मेनू, ठीक है, फिर मैं जेड टू जे जाऊंगी। क्लियर है मेरी गल? इन ए वाली चीज ध्यान समझना,
मैं पहला एक्स तो जेड तक गई फिर जेड तो जे तक गई। इथे देखो हुन की होया अगे साडे क्वेश्चन दे विच की सीगा साडे कोल दोनों पासे साइन की जा रहे से सेम डायरेक्शन दे विच दोनों दे विच ठीक है बट हुन दे इंदे विच की हो गया मेरे कोल इधर साइन उधर बिल्कुल सेम डायरेक्शन दे विच है। इनका मतलब ए नहीं गा कि ये ओपोजिट डायरेक्शन दे विच है। इनका मतलब ए नहीं गा तुसी की कर लेना है तुसी की गल कर लेनी है या तो वैसे तुसी इथे ड्रॉ करके देख लो अगर तुहानू डाउट है तां मैं तुहाडा डाउट भी क्लियर कर दिंनी आ। मैं इथे पहला गई आ एक्स तो जेड ते ठीक है एक्स तो जेड तक गई हां ठीक है मैं एक्स तो जेड तक गई हां फिर मैं जेड तो वी जेड जे तक जाना है ते जेड इज ग्रेटर देन वी वी इज मतलब लेस देन इक्वल टू जे आ मेरे को रिलेशन आया मतलब मेरे को सेम डायरेक्शन दे विच आ रहे है ना सेम डायरेक्शन मैं सिर्फ तुहाडा डाउट क्लियर करने लिए ड्रॉ कितना मैं ड्रॉ नहीं करूंगी जदों मेरे को एदां दी कंडीशन हो जाती है मतलब की है मेरे को इधर ओपोजिट मतलब इधर इस डायरेक्शन दे विच है इधर इधरली डायरेक्शन दे विच है ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ v ਇਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ z ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ लास्ट वाले सम से विच किसी दोनों ही बैकवर्ड जा रहे सीगे ठीक है साडा तुरंत दा स्टाइल दोनों दा ही बैकवर्ड सी ते या दोनों दा ही की सीगा फॉरवर्ड सी बट हुन एक विच असीं स्टार्टिंग दे विच कर रहे हां बैकवर्ड फिर जा रहे हां फॉरवर्ड ठीक है ते जदों असीं बैकवर्ड जा रहे हां ते सानू इहनू इस साइन नू रिवर्स करना पवेगा कि ए जे साडे कोल ग्रेटर दैन इक्वल टू असीं लेस दैन इक्वल टू नू लिख लवांगे हुन साडे कोल आ इक साइन है इक साइन आ है इक साइन आ है ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ x ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ j ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਆਨਸਰ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬੈਕਵਰਡ ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਬੈਕਵਰਡ ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਫਾਰਵਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਇੱਕ ਐ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਂਦੀ ਰਿਵਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਈਨ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਿਵਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ मतलब x इज लेस देन वाला साइन आना सी सॉरी मतलब डेफिनेट वाला साइन आना सीगा ठीक है ए लेस देन वाला साइन है ते मतलब मेरे को की हो गया x इज लेस देन j मेरा कंक्लूजन वाला बिल्कुल की हो गया ट्रू हो गया क्लियर है जी यस और नो कम टू द नेक्स्ट सेकंड वाला कंक्लूजन हले सी चेक करना है क्लियर है x इज अगर मेरी चीज समझ आई हुई फिर भी नहीं समझ आ रही तो यू कैन ड्रॉ हेयर ठीक है ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਗਾਣੇ 1 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੇਗਾ ਯੂ ਕੈਨ ਡਰੋ ਹੇਅਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ q ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ y ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ q ਤੇ y ਅਗੇਨ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ z ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ x ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ z ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ v ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ ਫਿਰ z ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੀ v ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ x ਤੋਂ z ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਨਕਲੂਜਨ 2 ਗਲਤ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ a ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਯੈਸ অর ਨੋ ਚਲੋ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਟਫ ਲੈਵਲ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਸਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਉਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੋ ਨੇ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ m ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ h ਆਪਾਂ m ਤੇ h ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m ਤੇ h ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ 4 ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੇਖੋ m ਤੇ ਮੈਂ h ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ h ਇੱਧਰ ਹੈ m ਇੱਧਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ b f ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ f ਇੱਥੇ ਕਾਮਨ ਇੱਥੇ f ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ m ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ f ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ h ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ
एम तो एच जाना है ना, एम तो एच जाना है, एम तो एफ तक गई, फिर मैं गई एफ तो एच तक। ठीक है जी, मेनू एरो बनाना बहुत जरूरी हुंदा है क्योंकि ताई तुम डायरेक्शन पता लगती कि तुसी केड़ी फॉलो कर रहे हो। ठीक है, एम तो एफ, एफ तो एच, क्लियर है मेरी गल? हां जी, चेक करो ते दसो मेनू। देखो एम तो एफ ते एफ तो एच बिल्कुल सेम ऑर्डर चल रहे है ना, मतलब भावे इधरली डायरेक्शन चल रही है साइंस की। ठीक है, साडे एरो भी की जा रहे ने सेम डायरेक्शन विच जा रहे है, कोई ए नहीं ए इधर है ते ओ इधर है, नहीं मतलब हुन असी की करांगे, असी टोटल कंक्लूजन चेक करके, दोनों का टोटल कंक्लूजन चेक करके ते फिर असी ओ साइन की कर दांगे, रिवर्स कर दांगे। समझ गए मेरी गल? हुन फर्क समझ गए? जो असी कह लो थर्ड एग्जाम्पल पता नहीं फोर्थ एग्जाम्पल की ओर की सी, दोनों एरोज सेम डायरेक्शन जा रहे थे। ठीक है, फिर असी जी पिछली एग्जाम्पल की सी, एक एरो इधर जा रहा, एक एरो उधर जा रहा, तो मैं एक दस मतलब जो रिवर्स ऑर्डर जा रहा है, मैं उसका साइन की गल उ चेंज कर लिया, उस स्टेटमेंट का साइन उ चेंज कर लिया, हूं मेरे एरो दोनों इधर जा रहे ने। ठीक है, दोनों एरो इधर जा रहे थे, मैं क्यों ना सारा कंडीशन चेक करके फिर रिवर्स करूंगी साइन। क्लियर है मेरी गल? मतलब जो मेरे को सेम डायरेक्शन एरोज जाते हैं तो मैं उथे ही चेक करके की करांगी, मैं मतलब टोटल कंक्लूजन चेक करके ही मैं की करूंगी साइन चेंज। चलो केड़ा आएगा साइन निकल के? ग्रेटर देन आएगा, सारे विच ग्रेटर देन दिता हुआ है तो ग्रेटर देन आएगा, तो ग्रेटर देन का साढ़े को की हो जाएगा लैस देन, ओ सॉरी लैस देन आएगा, सॉरी लैस देन आएगा, लैस देन साढ़े को की हो जाएगा ग्रेटर, तो ग्रेटर दैट मीन साडा फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है मेरी गल? Yes or no? देखो अच्छा कई बच्चे का डाउट होगा कि मैम आप एम तो एच जाना, आप बच्चे पाया भी तो एरो इधर ही होया, आप एम तो एच ही जा रहे हैं, ये साडे एम तो एच से कदे ही वे है, ता ही फॉरवर्ड बैकवर्ड की गल चल रही है, एवं थोड़ा मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड बोली जा रही हूं। ठीक है, मतलब एम तो एच ही जाना, आप एम ते एच का ही रिलेशन चेक करना है। जो मैं रिलेशन चेक किया मेरे को लैस देन साइन आया सी, पर मेरे का मेरा एरो जा रहा सी रिवर्स डायरेक्शन दे विच, ते मैं पूरा कंक्लूजन चेक करके, क्योंकि दोनों एरोस मेरे किधर जा रहे थे रिवर्स डायरेक्शन, दोनों का कंक्लूजन चेक करके मैं देखा मेरे को लेस आ रहा है, ते मैं उनका की कर लिता उल्टा कर लिता साइन, रिवर्स कर लिता कि ग्रेटर हो गया। क्लियर है? चलो कम का नेक्स्ट, हूं असं कहना है वाई तो बी तक जाना है, वाई तो बी तक जाना है। चलो वाई तो बी तक चेक करना है, वाई इधर है बी इधर है, दोनों विच कॉमन कौन है? इन्होंने दोनों विच कॉमन कुछ है? इधर एफ बी एम है, इधर डबल्यू जी की है, नहीं है गागा, नहीं है ना कॉमन, दैट मीन सानू तीजी स्टेटमेंट नाल रलानी पाएगी। असी की करांगे वाई तो बी तक जाना है, ता असी चेक करिए, हाँ असी की करांगे वाई तो पहला के तक जावांगे, फिर के तो एफ तक जावांगे, फिर एफ तो किधर जावांगे? बी जावांगे। मतलब सानू इन तीन स्टेटमेंट चेक करनिया पैणगियां, क्योंकि साडे कोल इन्हां दोनों विच कोई कॉमन है ही नहीं, सीधा डबल्यू जी के है, इधर एफ बी एम है। क्लियर है मेरी गल? चलो आप वाई तो बी जाना है, पहला वाई तो किथे मैं गई, मैं ए वाले करन लगी हाँ मार्कर दे नाल। ठीक है, वाई तो मैं के तक गई, क्लियर है? उस तो बाद मैं के तो कितों तक जा रहा, क्योंकि मेरे को इथे एफ नाल रिलेशन हैगा, के तो मैं एफ तक जाऊंगी। क्लियर है? मैं के तो एफ चली गई, हुन मैं एफ तो कितने जाना है? आप बी तक चेक करना ना डबल्यू का, हुन मैं एफ तो बी तक गई। क्लियर है? चलो हुन एरोस देखो, ए जा रहा इधरली डायरेक्शन दे विच फॉरवर्ड च, ए जा रहा बैकवर्ड च, ए जा रहा फिर फॉरवर्ड च। क्लियर है मेरी गल? ए तो इधर जा रहा है, बिल्कुल ठीक डायरेक्शन च जा रहा है, कोई देयर इज नो नीड टू चेंज द साइन डायरेक्शन। ठीक है, तुहानू कोई लोड नहीं इहदे विच डायरेक्शन नू रिवर्स करन दी, क्योंकि फॉरवर्ड जा रहा है, इहदे विच बैकवर्ड जा जरूर रहा, पर इत्थे की है इक्वल, भावे तुहाडे कोल बैकवर्ड होवे भावे फॉरवर्ड होवे, जदों साइन इक्वल आ गया तां इक्वल दा मतलब की इक्वल है, भावे तुसीं गल पिछे दी गल भावे अगे दी गल लो, हुण इहदे विच साडा साइन कित्थे जा रहा है? बैकवर्ड च जा रहा है, नहीं फॉरवर्ड च जा रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड च जा रहा है, मतलब सही साइन जा रहा है। हुण तुहाडे कोल साइन केड़े केड़े आ रहे हैं, ये देखो इक्वल टू ग्रेटर लैसर देन इक्वल टू फिर लैसर। ठीक है, तुसीं केड़ा साइन चूज करना है? आ वाला। ठीक है, फॉरवर्ड च ना इहनू भुल जाओ, क्योंकि इहनू क्यों मैं भुलना है? क्योंकि ये इक्वल ही है। ठीक है, मतलब मेरे को आ जाएगा आ वाला साइन आ जाएगा आंसर दे विच, मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर है मेरी गल? जेडे बच्चे मेरी ये चीज नहीं समझ आई, यू कैन ड्रॉ हेयर। ठीक है, जेडे बच्चे ने रिवाइंड करके देखना रिवाइंड करके देख लो, जिन्होंने नहीं रिवाइंड करके देखना तो यू कैन ड्रॉ हेयर। डब्ल्यू इज इक्वल टू जी इज लैस देन इक्वल टू के। ठीक है, के इज इक्वल टू किन्दे है? एफ दे, ते एफ की है तुहाडा? क्लियर है? हुन डब्ल्यू ते बी दे विच केड़ा साइन आ जाएगा? आ वाला साइन आ जाएगा, तो साडा रिलेशन की है? बिल्कुल करेक्ट।
क्लियर है मेरी गल। मैं तुम द्वार की जांच करी एक बार द्वार की, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट चीज है, ता मैं तुम इना टाइम लगा रही हूं कि तुहाडा बिल्कुल मतलब कह रो घट टाइम ज्यादा काम होने वाली गल है। क्लियर है? आप जो कि गए आप पहला डबल्यू तो के गए, फिर के तो एफ गए। जो असि के तो एफ गए सानू फर्क ही नहीं पिया भावे बैकवर्ड है भावे फॉरवर्ड है। क्यों? क्योंकि साइन इक्वल आ गया, इक्वल भावे बैकवर्ड लाए भावे फॉरवर्ड लाए, इक्वल तो इक्वल ही रहेगा, रिवर्स होके भी इक्वल ही रहेगा। ठीक है, फिर असि कि गए एफ तो बी गए, तो इन्होंने दोनों फॉरवर्ड ही सी, असि मतलब साढ़े को केड़ा आ जाना सी लैसर दिन आ जाना सी, तो साढ़े को लैसर ही है, तो साड़ा आंसर बिल्कुल की है करेक्ट है। क्लियर है? चलो कम टू द थर्ड, थर्ड विच मैं की करूंगी, मैं चेक करना के इज ग्रेटर देन पी जी, फिर भी नहीं समझ आया, मैं उन्होंने यह चीज बना दी है। ठीक है, हां जी मैं हूं यस आप हूं चेक करना के इज ग्रेटर देन पी। ठीक है जी, आप ए चेक करना के इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। हूं मैं ब्लैक मार्कर यूज करके तुम समझाऊंगी के ते पी का रिलेशन चेक करना है, तो थोड़े को पी ए वाली च पे है बट के इन्हों दोनों में पे है। हुन असी केड़ा वाला यूज करांगे, तुहानू कॉमन एलीमेंट देखना पड़ेगा, कॉमन एलीमेंट की है इधर डबल्यू है इधर डबल्यू है, इधर कोई कॉमन एलीमेंट इस नाल नहीं है, ना टी है ना डबल्यू है, दैट मीनस वी विल चेक बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट। ठीक है, हूं आप जावे कि पहला आप जावे के तो डबल्यू तक, के तो डबल्यू तक मैं गई। ठीक है, उस तो बाद मैं डबल्यू तो पी गई, मेरे को यही है ना, यही है। ठीक है, जो मैं के तो डबल्यू जा रही थी ना, मेरे को की आ गया, मेरे को की चीज आ गई, देखो मैं इधर जा रही थी, मेरे को डायरेक्शन केड़ी आ गई एरो दी बैकवर्ड, बैकवर्ड आ गई मतलब इन दे होल रिलेशन दे विच मेरे को की निकल के आ जूगी चीज लेस देन इक्वल टू। ठीक है, पर आप रिवर्स ऑर्डर दे विच आ, आप रिवर्स ऑर्डर दे विच जो तुहाडा रिवर्स एरो जांदा है ते तुहाडा ए भी की हो जांदा है चेंज साइन, मतलब तुहाडा की हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। Yes or no? तुहाडे कोल की हो गया ग्रेटर दैन इक्वल टू। जब हुण तुहाडे कोल केड़े केड़े साइन आ गए, एक साइन आ गया, एक साइन तुहाडे कोल आ गया, एक साइन तुहाडे कोल आ गया, आ तुहाडा फॉरवर्ड ही जा रहा है। ठीक है, मतलब तिना दी तुहाडी तिना जेडे साडे कोल सिंबल्स ने उन्हां दी डायरेक्शन तो इधर ही होगी सेम, बट ये साडे कोल फॉरवर्ड ही जा रहा है। हुण इहदे विच तुहानूं नहीं चेंज करने की लोड़ डायरेक्शन नूं, ठीक है, मतलब रिवर्स करने की नहीं जरूरत। ठीक है, दैट मीनस तुहाडे कोल तिना सिंबल दे विच केड़ा सिंबल निकल के आ जाएगा ग्रेटर वाला, यस और नो, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं, ए इनडेफिनेट है, डेफिनेट वाला आएगा तो साडे कोल आ चीज की है गलत हो जाएगी, क्योंकि सानू उन्होंने ग्रेटर दैन इक्वल टू बोला, इसके थर्ड वाला रिलेशन नहीं फॉलो होएगा, साडा आंसर हो जाएगा ओनली वन एंड टू फॉलोस। क्लियर है जी? चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके चीज समझाई है, बहुत वड्डा सन सीगा, सॉरी वड्डी प्रॉब्लम सीगी, तुहानू एडे वड्डे प्रॉब्लम आने के चांसिस घट है, बट मैं तुहाडा दिमाग चलाने लई तुहाडे दिमाग नूं मतलब कह लो इस चीज ने तुहाडा कॉन्सैप्ट नूं क्लीयर करन दे लई तुहाडे दिमाग दे विच कॉन्सैप्ट नूं बिठाने लई, इस करके मैं वड्डी वड्डी स्टेटमेंट्स लईआं ने। ठीक है, वैसे एडे वड्डे वड्डे स्टेटमेंट्स आने के चांसिस तुहाडे एग्जाम दे विच बिल्कुल भी नहीं हैगे, सिर्फ तुहाडी प्रैक्टिस लई है। अगर तुसीं आपदे शॉर्ट चीजां नूं करना चाहुंदे हो प्रैक्टिस, तां तुसीं आपदे प्रैक्टिस पेपर यूज कर सकदे हो। ठीक है, क्लीयर है? चलो कम टू द नेक्स्ट, यस कम टू द नेक्स्ट। हूं आप देखो फर्स्ट कंक्लूजन चेक करांगे, आर इज लेस देन डबल्यू, आर ते डबल्यू, आर इथे है डबल्यू उधर है। क्लियर है, मतलब असि किधर जावांगे, पहला आर तो क्यू तक जावांगे, ठीक है, फिर क्यू तो डबल्यू तक जावांगे, दोनों फॉरवर्ड है, दोनों फॉरवर्ड रैंकिंग चे जा रहे ने। ठीक है, साइन भी सेम जा रहे ने, सेम डायरेक्शन दे विच जा रहे ने, ते साडे कोल इन्हां विचों केड़ा साइन निकल के आएगा लेस देन, क्योंकि इथे केड़ा साइन है लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू ते लेस देन, किंदी प्रायोरिटी हुंदी है डेफिनेट वाले दी, डेफिनेट। ठीक है, साडा फर्स्ट बिल्कुल ठीक हो गया, क्लियर है? चलो हाँ जी, हुण एच इज ग्रेटर देन एफ चेक करना है, एच इधर है एफ इधर है, मतलब हाँ जी एम कॉमन है दोनों विचों, मतलब पहला असि जावांगे एच तो एम कोल, ठीक है, फिर एम तो एफ कोल, जदो एच कोल एम कोल गए साडे कोल बैकवर्ड आ गया साइन, बैकवर्ड आ गया एरो, एरो बैकवर्ड आ गया, साडा साइन चेंज हो गया, केड़ी डायरेक्शन दे विच हो जाएगा, ए इधर है लेसर देन है ते ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, जदों पर असि फिर एम तो एफ ते कोल गए साडे कोल आ वाले दोनों तां इधरली डायरेक्शन च आ गए साइन, आ मतलब सिंपल जी गल है एम तो एफ तक गए तुहाडे साइन की हो गए चेंज हो गए, साइन तुहाडे की हो रहे ने ओपोजिट, ते ओपोजिट साइन दे विच कोई रिलेशन नहीं हुंदा। ठीक है, चलो हां जी थर्ड वाला चेक करिए, एल इज लेस देन इक्वल टू एस, एल उधर है एस इधर है, मतलब इन्हों दोनों स्टेटमेंट्स चेक करना है,
केड़ी चीज कॉमन आ रही है दोनों दे विच केड़ा कॉमन एलिमेंट है एम टी एस आपा एल ते एस का चेक करना है ना कोई कॉमन नहीं गा हां जी इधर एम टी एस एफ है इधर क्यू एल डब्ल्यू बी है मतलब दोनों विच कोई कॉमन नहीं दैट मीन सानू थर्ड स्टेटमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी क्यू कॉमन है दोनों विच दैट मीन असि की करांगे पहला एल तो क्यू कोल जावांगे क्यू कोल क्यू तो कित्थे आवांगे फिर क्यू तो नहीं 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 हां जी एल ते एस का चेक करना है एल ते एस का चेक करना है ते किद्दा करांगे कोई कॉमन नहीं एक सेकेंड हां जी चेक करो देखो कंफ्यूजन हो गई सी देखो एल तो क्यू कोल जावांगे क्योंकि इन दोनों विच कोई कॉमन नहीं गा एल तो क्यू कोल गए ठीक है फिर उस तो बाद क्यू तो किन्दे कोल गए क्यू तो एम कोल गए फिर असी एम तो किन्दे कोल चले जावांगे एस तक चले जावांगे पहला तो एरोस बना लो ओ गल बाद च आपां चेक करनी कि केड़े फॉरवर्ड है ते केड़े बैकवर्ड है पर असी एल तो एस तक पहुंचना है ते असी किद्दां पहुंचांगे जे किसे नूं एरोस नहीं बनाने आ रहे यू कैन ड्रॉ हेयर मतलब तुसी जिद्दां जिद्दां जा रहे हो उदों उदों लिखी जाओ ते तुहाडे कोल एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा उंदे च तुहाडा आंसर निकल के आ जाएगा ते पर जिन्हां ने एरोस फॉलो करनी है मतलब कह लो सब नाल ईजीएस्ट मैथड तां आही है जिहड़ा मैं तुहानूं करवानी पई हां ठीक है हुण मैं देखो पहले एल तो क्यू कोल गई मेरे कोल नो डाउट केड़ा आ रहा है बैकवर्ड आ रहा है पर इक्वल टू ना मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि मेरे नाल जे मैं इहनूं इक्वल टू दे साइन नूं फॉरवर्डली चेंज करदी हां ते मेरे कोल तां वी इक्वल टू ही आएगा ठीक है उस समय मैं क्यू तो कित्थे जा रही हां एम कोल जा रही हां ठीक है क्यू तो एम कोल जा रही हां मेरे कोल साइन है इधर कोई गल नहीं ठीक है मतलब मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो इंदा भी फॉरवर्ड है इंदा भी फॉरवर्ड है फिर उस तो बाद मैं जा रही हूं एम तो एस तक पर जब एम तो एस तक गई ना मेरे को उदो दो ऑपोजिट साइन आ गए तो ऑपोजिट साइन से विच कोई रिलेशन नहीं होता तो इसका ए भी फॉलो नहीं होगा तो साडा आंसर की हो जाएगा कंक्लूजन नन फॉलोस हां नन फॉलोस आ जाएगा अंदर विच क्लियर है लेट मी चेक द आंसर ओनली वन फॉलोस हो गया ना हां जी कला इको ही फॉलो हो रहा है वन फॉलोस हो रहा है वन भी साडे कोई ऑप्शन नहीं हैगी इसका की आ जाएगा अंदर विच नन फॉलो नहीं आएगा इथे कुछ ना कुछ या तो फिर कह लो ऑप्शन ऐड करनी हुई नन का मतलब हुंदा कोई भी फॉलो नहीं करता पिया नन का मतलब हुंदा कोई भी फॉलो नहीं करता पिया गा ठीक है नन का फॉलो मतलब यही हुंदा दैट मीन्स इहदे विच ऑप्शन मिसिंग है तुसी ऑप्शन एक ऐड कर लवो ई ऑप्शन नन फॉलोस करके ते लिख लो ओनली वन फॉलोस क्लियर है ओनली वन फॉलोस मीन लगदा मैं लास्ट ते ही लै लिते ने सारे ऑप्शन लास्ट वाली एग्जाम्पल ते ही लै लिते क्लियर है जी क्लियर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपना ओनली वन फॉलोस आना है कम टू द नेक्स्ट यस कम टू द एट क्वेश्चन हुन आप चेक कर रहे हैं डी इज लेस देन इक्वल टू टी ठीक है आप पहला कितने को जाना है मतलब कॉमन एलिमेंट्स देखो केड़े ने आप जावांगे डी तो एफ जान की वैसे लोड़ ही नहीं क्योंकि इक्वल ही है फिर एफ तो टी ते जावांगे जो असी एफ तो टी ते गए असी देखा साडे दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन दे विच है साडे कोल इहदे विच केड़ा निकल के आएगा लेस निकल के आएगा साडे कोल इहदे विच ए है लेस देन इक्वल टू एस कभी गलत हो जाएगा क्लियर है जी चलो नेक्स्ट चेक करो एम इज ग्रेटर देन एस एम इज ग्रेटर देन एस चेक करना है एम इथे है एस इथे है ठीक है एम इधर है ते एस साडे कोल इथे है फिर आप कित्थे जावांगे एम तो पहला डी ते के है मतलब इहदे विच नहीं पहला सानू थर्ड दी हेल्प लेनी पएगी यस ओर नो क्योंकि साडे कोल है ही नहीं गा चलो देखो कि असी करना है एम तो एस च जाना है ते होर केड़ा कोई कम है पहला एम तो डी जावांगे फिर डी तो एस ठीक है एम तो पहला डी गए एम तो डी गए रिवर्स ऑर्डर च जा रहे हैं साडा की जा रहे हैं रिवर्स ऑर्डर च जा रहे हैं साडा एरो ते इहदे चो केड़ा साइन निकल के आएगा एक्चुअली विच इहदे कोल केड़ा निकल के आना है लेस देन पर साडे कोल रिवर्स है ते रिवर्स दा की हो जाएगा ग्रेटर देन फिर हुण ना आपां किहदे कोल जाना है पहला डी तक गए हैं फिर डी तो असी एस जाना है ते जो डी तो एस गए ए साडे कोल इदां ठीक है ग्रेटर देन हो जाएगा तो दैट मीन साडा ए हो जाएगा बिल्कुल ट्रू क्लियर है मेरी गल ए वाला साडे कोल एरो इधर जा रहा सी अकॉर्डिंग टू दिस एरो और दिस कंडीशन साडे कोल एरो एक्चुअली विच आना केड़ा सीगा साइन आ वाला यस और नो ए साइन आना सी इन द मतलब लेस देन साइन आना सी लेस देन दा रिवर्स हो गया क्यों रिवर्स हो गया क्योंकि साडे कोल बैकवर्ड जा रहा है और फॉरवर्ड ही जा रहा सीगा असि डी तक पहुंच के फिर डी तो जो असि एस गए हां तो साडे कोल केड़ा आ रहा साइन ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन निकल के आ गया साडा आंसर बिल्कुल की हो गया करेक्ट हो गया नेक्स्ट चेक करो एच इज लेस देन एम
हूं एच उधर है एम इधर है, कॉमन की है जी, मतलब असि की करांगे, असि की करांगे पहला एम तो कितने जावांगे जी, असि जो एम तो जी गए बैकवर्ड होया, बैकवर्ड तो साढ़े को निकल के आ जाएगा लैस दैन का की बन जाएगा ग्रेटर दैन, ठीक है। फिर असि एम तो कितने जाना है एच तक, एम तो सॉरी जी तक तो चले गए, ठीक है। फिर जी तो जो पर एच जा रहे थे ऑपोजिट साइन आ गए थे डायरेक्टली की होगा गलत, तो कहला सेकंड सही है तो ओनली टू फॉलोस, क्लियर है जी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस कम टू द नेक्स्ट। हूं स्टेटमेंट से भी चेक करिए, ओ इज ग्रेटर देन जेड, ओ इज ग्रेटर देन जेड देखना है, ते मतलब ओ इधर है जेड इधर है, कॉमन एलीमेंट केड़ा है, ओ तो असि कित्थे जावांगे, वाई वाई कॉमन है, असि पहला गए ओ तो वाई कोल, ठीक है। जो ओ तो वाई कोल गए इक्वल सीगा तो कोई चक्कर नहीं है ना, चलो पहला ना के नाल उधर बना लो, फिर असि वाई तो किन्ने कोल जाना जेड तक, वाई तो जेड गए, क्लियर है मेरी गल, दोनों बैकवर्ड दे विच है, इन्हां विच साइन एक्चुअली विच केड़ा निकल गया ना सीगा, ठीक है, लेसर देन पर रिवर्स ऑर्डर, पर दोनों रिवर्स ऑर्डर दे विच है, कोई गल नहीं दोनों रिवर्स ऑर्डर दे विच है। जदों दोनों चीजां रिवर्स ऑर्डर दे विच हुंदियां ना असीं होल चेक करो, असीं ओ तो वाई गए, ठीक है, फिर वाई तो असीं गए जेड, ते साडे कोल केड़ा निकल के आ जाएगा साइन आ वाला, ठीक है, लेस देन, पर तुसीं रिवर्स लै लेना है कंक्लूजन दे विच, आंसर दे विच तुसीं इहदा रिवर्स करना है, रिवर्स की हो जाएगा ग्रेटर देन, तुहाडा फर्स्ट की हो जाएगा बिल्कुल ट्रू, क्लियर है मेरी गल, यस ओर नो। हुण दोनों दा रिवर्स सीगा ना, इस करके जो दोनों का रिवर्स होंगे असी होल फुल चेक करके फुल कंक्लूजन चेक करके फिर उन्हें साइन चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वाई इज लेस देन सी, हुन वाई ते सी, वाई इधर है सी इधर है, कॉमन एलीमेंट दोनों विच कौन है, कोई भी नहीं गा कॉमन, पी ई एफ सी नहीं है कोई कॉमन, दैट मीनस वाई तो सी तक जाना है, पहला सानू की करना पेगा, वाई तो कितने जाना पेगा, वाई तो वाई तो सी जाना है, वाई तो वाई इधर भी है, ठीक है, वाई इधर भी है, वाई इधर नहीं है, वाई इधर भी है, वाई तो सी जाना है, इधर चेक करिए कोई कॉमन है टी, हाँ जी बिल्कुल इधर टी है दोनों विच कॉमन, तो दैट मीनस असी वाई ए वाला यूज कर लांगे, जदो असी वाई तो सी जाना है पहला वाई तो टी जावांगे फॉरवर्ड है, फिर असी किन्दे च जावांगे, फिर टी तो किन्दे कोल जाना है, वाई तो सी, टी तो सी तक चेक करांगे, जो ए तो फॉरवर्ड सी इस करके साडे कोल इसे डायरेक्शन च रहेगा, ए बैकवर्ड सी, बैकवर्ड डायरेक्शन दा इन्ना को चेक कर लो की आ जाएगा लेसर दैन इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस, बट बैकवर्ड है तो ग्रेटर दैन इक्वल टू हो गया, हुण साडे कोल आ दोनों साइन हो गए, दैट मीनस ग्रेटर हो जाएगा, तो इत्थे दा पर लैस है, तो यह साडे कोल की हो गया गलत हो गया, क्लियर है मेरी गल, यस ओर नो, यस ओर नो। चलो कम टू द नेक्स्ट, एस इज लैस दैन इक्वल टू ए, सॉरी लैस दैन ए, एस तो ए ते जाना है, एस तो ए ते जाना है, केड़ा कॉमन आएगा दोनों विच, वाई कॉमन है, मतलब मेरे को मेनू पहला किन्दे को जाना पेगा, मेनू एस तो वाई तक जाना पेगा, इधर एस तो जो मैं वाई गई मैं ओदे चेक कर लिया मेरे की हो रहे ने साइन इन दे विच की हो रहे ने ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच, ते मेरे को डायरेक्टली ही की हो जाएगा गलत, मेनू और चेक करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट, टी इज लैस दैन ओ, टी इज लैस दैन ओ, टी इधर है ओ इधर है, ठीक है, टी उधर भी है, टी उधर भी है, ठीक है, पर असि वेखे कॉमन केड़ा है, इन्दे विच वाई है, इन्दे विच वाई है, ते असि टी दा इन्दे नाल चेक कर लवांगे, ठीक है, असि इत्थे कित्थे जावांगे, टी तो वाई तक जावांगे पहला, सॉरी टी तो वाई उधर जावांगे फिर इधर आवांगे, टी तो वाई जाना है, टी तो वाई जाना है, टी तो वाई मैं गई इधर, मेरे को बैकवर्ड गया, मेरे को बैकवर्ड गया, ठीक है, मैं टी तो वाई गई, मेरे को किसी का ग्रेटर, मेरे को की बन जाएगा साइन लेसर, ठीक है। हुण मैं की करना है, मैं वाई तो ओ जाना है, वाई तो मैं जो ओ जा रही सी, मेरे को साइन की है सेम डायरेक्शन दे विच है, ठीक है, तो केड़ा आ जाएगा ग्रेटर, तो मेरा बिल्कुल सही है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ओनली वन एंड फोर फॉलोस, क्लियर है जी, यस और नो, क्लियर है, ठीक है जी। आ वाली अपनी एग्जाम्पल्स इतने ही करते हैं खत्म, हुण आपां नेक्स्ट कोटिड मैं तुम समझानी हाँ कि कोटिड नूं आपां शॉर्ट दे विच किदां समझ सकते हैं, किदां उन्हां दे सम्स नूं सॉल्व प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व कर सकते हैं,
मतलब क्विकली आप क्विकली काम करना है, इन्हें ज्यादा काम नहीं करना। हूं देखो मैं बेसिक समझाने टाइम लगाया सी, बट क्वेश्चन असिस करने लगे मैं बिल्कुल भी तुम टाइम है ना, मैंने मैनू समझाने लगे भावे लग गए होने एक दो मिनट, बट तुम सोल्व करने लग्या बिल्कुल 3 to 4 seconds लगन गए, जो थी कॉन्सैप्ट कमांड बन गई उदो तुम लगन गए घट टाइम। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट मतलब टॉपिक, इनइक्वैलिटी का ही टॉपिक है, इनकोडेड इनइक्वैलिटी अगर आ जाती है तो यू कैन सोल्व ईजीली दैट थिंग। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। Yes, हां जी देख लो एक ना ट्रिक टाइप ही है, मतलब तुहानू इजी रहेगा कोडिड इनइक्वैलिटी नू करन दे लई। ठीक है, कोडिड इनइक्वैलिटी नू जदों असी करना उदो साडनू इजी रहेगा, बट एक गल मेरी हमेशा याद रखनी है जेड़े साइंस मैं जिदा लए ने तुसी ओदा ही लेने ने, नहीं तो जे तुसी उल्ट पुलट साइन लै लोगे ना तो तुहाडा गलत हो जाएगा। क्लियर है, यह कोडिड इनइक्वैलिटी च तुहाडा हेल्प कीता करूगा यह मैं तुहानू दसूंगी, बट पहला यह चीज समझ लो कि मैं इत्थे ग्रेटर ते इथे लेसर, सिंपल जी गल उपर वाले च की आ जाएगा ग्रेटर, ग्रेटर दैन इक्वल टू लेसर, लेसर दैन इक्वल टू ते विचकार इक्वल टू, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल टू लेसर, लेसर इक्वल टू ते विचकार इक्वल टू। जदों मैं चेक करांगी होरिजोंटली, अच्छा एक चीज होर मैं तुहानू एक गल कहां, तुसी कहोगे कि मैम अगर इस तो इलावा साइन आ जाए, इस तो इलावा साइन आ ही नहीं सकता, केड़ा आ जाएगा साइन, साडे को सारे साइन तो कवर हो गए, साडे को किन्ने तीन डेफिनेट हुंदे ने साइन, ग्रेटर लेसर ते इक्वल टू, दो इनडेफिनेट हुंदे ने ग्रेटर दैन और लेसर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू लेसर दैन इक्वल टू, दीज आर द इनडेफिनेट एंड दीज थ्री आर द डेफिनेट। क्लियर है जी, इस करके पंजा साइना तो इलावा जो कोई साइन आ भी जाता ना तो उन्होंने की हो जाएगा, उन्होंने रिवर्स हो जाएगा। सपोज साडे को नॉट इक्वल टू आ जाता है, तो नॉट इक्वल इक्वल टू का मतलब की हुंदा है, या ग्रेटर या लेसर, या ग्रेटर दैन इक्वल टू या लेसर दैन, मतलब लेसर दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं, या ग्रेटर और या लेसर एदा दी गल होएगी। मतलब मैं तुहानू एक वैसे गल कर रही हूं, बट इन्हा पंजा साइना तो इलावा कोई होर साइन यूज नहीं किया जाता, जे किया भी जाएगा तो वह इन्हों के विचों ही ड्राइव हो जाएगा। क्लियर है मेरी गल इनी। अच्छा हुण आओ गल कि आपां कल मैं तुहानू एक केसिस करवाए सी, केसिस दे विच मैं तुहानू समझाया सीगा कि जो साडे कोल ए इज ग्रेटर दैन बी, मतलब वट एवर जो भी चेक करवाए सी, केसिस चेक करवाए सी, मतलब रिलेशन किदा बनता है, यह गल हमेशा याद रखनी कि तुसी ग्रेटर ही चकना है हमेशा या लेसर चकना है, कि तुसी इनडेफिनेट जो मैं जो तुम इन गल कही सी, सिंपल जी गल है जो मैं तुम्हें कहा जो तुहाडा कोई इक्वल टू तुहाडा कोई एदा दी चीज आ जाती ग्रेटर इक्वल टू, तुसी इक्वल टू नू हमेशा इग्नोर करना, तुसी ग्रेटर ही चकना है। फिर मैं तुम्हें कही जो तुहाडा ग्रेटर ग्रेटर दैन इक्वल टू आ जाता है, तुसी हमेशा प्रायोरिटी डेफिनेट साइन नू देनी है। मैं तुम्हें इन गल कही कि नहीं कही सी, हुण इहदे विच है कि आप किदा चेक करांगे, अगर मैं यही चीजा केसिस, अच्छा मैं नो रिलेशन क्या जो ऑपोजिट डायरेक्शन जान लग जाएंगे उदो सा हो जाएगा इन्होंने नो रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यह मैं तुम्हें उवे दसिया, जे मैं इन्होंने चेक करांगी तो मैं किदा करांगी, जे मैं होरिजोंटली चेक करती हाँ, होरिजोंटली का मतलब की है, देखो होरिजोंटली का मतलब की है, मैं इदा चेक करा। ठीक है, मैं इन्होंने दोनों चेक करांगी तो मेरे को निकल के आएगा ग्रेटर, मैं इदा चेक करा तो मेरे को की निकल के आएगा लेसर, मतलब डेफिनेट ही लेना ना आप। क्लियर है जी मेरी गल, यस और नो, होरिजोंटली मैं चेक करती हूं तो मेरे को जेडे आप पहले केसिस किए थे वो सारे मेरे को निकल के आ जाएंगे कि मैं केड़े वाले वो वाले मतलब रिलेशन कह लो केड़े मेरे केसिस लगन गए। क्लियर है जी, क्लियर है मेरी गल, अगर मैं होरिजोंटली चेक करा इन्होंने तीनों का ज्यादा तो होरिजोंटली पे है ना, इन्होंने तीनों का चेक करा केड़ा आएगा निकल के आ वाला, जे मैं इन्हें तीनों का चेक करा केड़ा निकल के आएगा आ वाला। क्लियर है मेरी गल, यस और नो, क्लियर है जी। चलो हां जी, हुण जे मैं देखती हूं मैं इन्हों विच चेक करा, जे मैं ए दी मैं इत्थे लिख दिता होरिजोंटली, जे मैं वर्टिकली चेक करती हूं चीजा नू, जे मैं इदा चेक करा, ठीक है ए की है वर्टिकली चेक करन लगी हां, ए इधर है साइन, ए इधर है, ओपोजिट डायरेक्शन से विच आ गया ते की मेरा बन जाएगा नो रिलेशन। दैट मीनस तुसी माइंड च रखनी है गल कि इन्हें विच भी की है, जो तुसी इन्हें भी चेक करोगे नो रिलेशन। क्लियर है, जे तुसी इन्हें तीनों का भी चेक करते हो एवें आ जाएगा ना, तो फिर भी नो रिलेशन। क्लियर है मेरी गल, यस और नो, मतलब जो तुसी साइंस नू कह लो होरिजोंटली चेक करोगे तो तुहाडे कोल हमेशा की आएगा, तुहाडे कोल जेहड़े आपां केसिस पहला कीते सी वह निकल के आएंगे, जो भी उन्हां दे विच होएगी जेहड़ी भी प्रियोरिटी होएगी, तुसी प्रियोरिटी याद रखनी है कि ग्रेटर
ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਲੈਸਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਟ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਰਟੀਕਲ ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਸਰ ਲੈਸਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਡਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਯੈਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕੋਡਿਡ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲਸ ਦੀਸ ਸਿੰਬਲਸ ਆਰ ਗਿਵਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਯੂਸੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਪੀ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਮੀਨਸ ਪੀ ਇਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਨੋਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਨਾਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਨਾਈ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੀ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕਿਊ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਭ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪੀ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਥੇ ਲੈਸਰ ਲੈਸਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੈਸਰ ਲੈਸਰ ਮਤਲਬ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੈਸਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਲੈਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੀ ਇਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਨੋਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਯੈਸ অর ਨੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਸਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਪੀ ਇਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਨੋਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਕੁਅਲ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਲਰ ਸਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ p is not smaller than q not smaller than ਮਤਲਬ greater equal ਹੋਏਗਾ hash greater equal ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਵਾਲੀ hash ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ p is not ਵੈਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦਾ iq ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾਟਐਵਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿਲ ਗਿਵ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੜਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਸ ਨਾਓ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ b ਡਾਲਰ m ਮੈਂ m ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ b ਤੋਂ m ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ b ਤੇ k ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ k ਤੋਂ d ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ d ਤੋਂ m ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਲਰ ਵੇਖਿਆ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹਾਂਜੀ ਡਾਇਗਨਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨਲੀ ਜਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਈਦਰ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਰਟੀਕਲੀ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਗਨਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲੀ ਤੇ ਡਾਇਗਨਲੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਨੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਦਰ ਔਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਦੋਂ ਆਈਦਰ ਔਰ ਪੋਸੀਬਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੇਮ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ b ਤੋਂ k ਕੋਲ ਗਏ k ਤੋਂ d ਕੋਲ ਗਏ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਇਗਨਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਇਗਨਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ k ਤੋਂ d ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ d ਤੋਂ m ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਤਿੰਨ ਸਾਈਨ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਾਲਰ ਸਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਯੈਸ অর ਨੋ ਬੀ ਤੇ ਐਮ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ
जो साडे कोल डायगनली चीज आ गई, डायगनली रिलेशन आ गया, तो डायगनली की है तुहानू इना पता लग गया साडे कोल कंक्लूजन दे विच बी एम है, असि इहदे विच आइदर और कंडीशन चेक करांगे क्योंकि साडे कोल एलीमेंट्स आ गए। ठीक है, साडे कोल एलीमेंट्स आ गए, मैं इन तिना एलीमेंट्स दे विचों किनू प्रायोरिटी देवांगी? वैसे लॉजिकली मतलब मेरे को नो रिलेशन है, नो रिलेशन क्यों हुंदा है? क्यों हुंदा है? साइंस आर इन ऑफ द ओपोजिट डायरेक्शन, साइंस ओपोजिट डायरेक्शन बिल्कुल हुंदे ने, साइंस ओपोजिट डायरेक्शन ते ओपोजिट डायरेक्शन जे बाई चांस मैं तुहानू दस्सदी जे मैनू इत्थे बी एम ना दिता हुंदा कुछ होर दिता हुंदा, सपोज करो डी ते के दिता हुंदा, ठीक है, इत्थे कुछ इदां दिता हुंदा ते मैनू इत्थे डॉलर साइन ते एट द रेट कहा हुंदा चेक करन नू, ठीक है, ते मेरे को डायरेक्टली की हो जाना सी? गलत हो जाना सी, क्योंकि उहनां दे साइन की है? दैट मीनस ओपोजिट डायरेक्शन दे विच है, ते ओपोजिट डायरेक्शन दे विच वर्टिकली हो जावे डायगनली हो जावे ते साडा कोई रिलेशन नहीं बनदा। जे साडे कोल कॉपीराइट ते हैश आ जांदा फिर असीं चेक करना सी कि इन्हां दोनों विचों केड़ा साइन असीं चूज करना है। क्लियर है मेरी गल? यस और नो? पर हुण साडे कोल इहदे विच आइदर और कंडीशन आ गई, हुण सानूं चेक करना पएगा साडे कोल की आया है। आ वाला साडे कोल इक्वल टू साइन है ना, ते एट द रेट साडे कोल साइन केड़ा है? लैस। हुण देखो लैस ते इक्वल ध्यान नाल देखो, इह साडे कोल लैस ते इक्वल है, ते इह इंडिविजुअली आइदर और दी तुसीं इंडिविजुअली कंडीशन देखो, एलीमेंट्स द सेम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट एलीमेंट्स द सेम है, पर मेरे को एक पास इक्वल आंदा पे, एक पास ए आंदा पे, मेरे को ए सैटिस्फाई दोनों स्टेट दोनों नहीं सैटिस्फाई भी नहीं करदिया पईआं, इंडिविजुअली रोंग भी नहीं गिया ते इंडिविजुअली मतलब कोलेक्टिवली सैटिस्फाई भी नहीं करदिया पईआं, ते इस करके इहदे च केस की लगेगा? नाइदर, इत्थे लैस देन, हां बिल्कुल, नाइदर वन नोर टू फॉलोज। क्लियर है? इहदा मतलब ए नहीं है जे बी एम आ गया ते आइदर और लगेगा ही लगेगा, इहदा की मतलब है नाइदर वन नोर टू फॉलोज। क्लियर है जी? यस और नो? ना ही साड़ी फर्स्ट सैटिस्फाई करती पई है, ना ही साड़ी सेकंड सैटिस्फाई करती पई है। कम टू द सेकंड, मतलब इसे नाल दा इंदे ही सेम सेकंड हुन सोल्व करदे फिर तुहानू ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इह दा आइदर और दा पता लग गया ना, क्यों नहीं लगा? क्योंकि इत्थे इक्वल है, इत्थे लैस है, ठीक है, ना ही साडा इंडिविजुअली रोंग है ते ना ही साडा कोलेक्टिवली की है ट्रू है, मतलब सैटिस्फाई भी नहीं करता कोलेक्टिवली, ठीक है, इंडिविजुअली रोंग भी नहीं गए, इस करके साडा की हो जाएगा नाइदर वन नोर टू फॉलोस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हां जी, हुण तुहानू इहदे च ज्यादा चीज क्लियर होएगी, ध्यान नाल समझना प्लीज, स्टेटमेंट्स दित्ती है, ठीक है, एच एट द रेट एन, ठीक है, आपां जाना की आपां कंक्लूजन देखना है, एच एट द रेट वी, असी एच ते वी दे विच जाना है, पहला असी एच तो एन जावांगे, पहला असी एच तो एन जावांगे, ठीक है, फिर असी एन तो डबल्यू जावांगे, फिर असी डबल्यू तो वी जावांगे, मतलब असी जाना है एट द रेट तो, एट द रेट तो किथे जाना है? हैश ते, हैश तो जाना है इधर, मतलब असी पहला वर्टिकली पहला डायगनली जा रहे हैं फिर असी होरिजोंटली जा रहे हैं, साडे कोल ओपोजिट हो गया साइन, मतलब इत्थे तो सेम आ जाएगा, इधर तो नो सेम आ जाएगा क्योंकि होरिजोंटली जा रहे हैं, बट इधर वर्टिकली जा रहे, वर्टिकली विच नो रिलेशन हुंदा, साडे कोल डायरेक्टली की होगी? गलत। क्लियर है जी? किन्ना ईजी है, जे तुहानू मैं इदा ना दस्या हुंदा मैथड, फिर तुसी इत्थे पहला रिलेशन बनाना सीगा, रिलेशन बना के मतलब पहला तुसी साइन नाल रिलेशन बनाना सी, फिर तुसी साइंस दे नाल चेक करना सीगा, तो तुहानू टाइम बहुत लगना सी, हुण मैं तुहानू किन्ना ईजी मैथड दस दिता है। क्लियर है? हुण नेक्स्ट वाली देखो, नेक्स्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, वी तो एन तक जाना है, पहला तो आप रिलेशन फाइंड आउट करना है, वी तो एन तक जाना है, तो वी तो सानू पहला डबल्यू तक जाना पौगा, फिर डबल्यू तो एन जाना पौगा। ध्यान नाल देखो इत्थे की हो गया, रिवर्स ऑर्डर दे विच है दोनों, इहदे विच तीनों एरो किहदे सीगे? सेम डायरेक्शन च सीगे, इहदे विच रिवर्स ऑर्डर दे विच है, असीं पहला इत्थों हैश तो की कर लांगे, हैश दा ओपोजिट साडे कोल की है? स्टार। हैश दा ओपोजिट स्टार हो गया, ते कॉपीराइट दा ओपोजिट की है साडे कोल? एट द रेट, ठीक है, मतलब हुण असीं किहदे कोल जाना है? स्टार तो किथे? मैं तुहानू की गल कही सीगी? मैं तुहानू वैसे तुसीं इदां भी कर सकदे हो, तुसीं पहला स्टार हैश तो कॉपीराइट जाओ, कॉपीराइट जो साडे कोल आंसर मतलब इन्हां दोनों विच चूज करो केड़ा आंसर आएगा, ते ओनू की कर दो? ओपोजिट कर दो। क्लियर है? एम ही कर सकते हो, पर की है इन, क्योंकि इन्हां दोनों दा एरो इधर है ना, इस करके पहले एम ही करो, पहले दोनों दा रिलेशन चेक कर लो, तुसीं गए हैश तो, हैश तो किधर गए? कॉपीराइट ते गए, मतलब तुसीं इन्हां दोनों विचों केड़ा चूज करोगे? तुहानू पता तुहाडी केड़ी प्लेस है ग्रेटर दैन, ते ए केड़ी प्लेस है ग्रेटर दैन इक्वल टू? तुसीं कॉपीराइट चूज कर लिता, ठीक है, तुसीं कॉपीराइट चूज कर लिया, हुण तुहाडे कोल इह बैकवर्ड डायरेक्शन दे विच है, बैकवर्ड डायरेक्शन दे विच है, तुहाडे कोल इन्हां दोनों दा की आ गया? एक्चुअली दे विच कॉपीराइट आ गया, मैं इत्थे लिख दिन्नी आ,
ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ਼ ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਤਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਸਰ ਹੈ ਲੈਸਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਚ ਉਠਾਉਂਗੇ ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਕੁਝ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਚਲੋ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਊ ਤੇ ਜੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਊ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਊ ਤੋਂ ਡੀ ਤੇ ਡੀ ਤੋਂ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡੀ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗਈ ਕਿਊ ਤੋਂ ਡੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਡੀ ਤੋਂ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹ ਫੋਰਵਰਡ ਚ ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਚ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਫੋਰਵਰਡ ਚ ਹੈ ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਚ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡ ਵਾਲਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟਾਰ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਹੈਸ਼ ਦਾ ਸਟਾਰ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਸ਼ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੈਸ਼ ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਹੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਸ ਅਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੋਂਗ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਂਗ ਚਲੋ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਊ ਤੋਂ ਜੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਕਿਊ ਤੋਂ ਜੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਊ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿਊ ਤੋਂ ਡੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਡੀ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਊ ਤੋਂ ਡੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀ ਤੋਂ ਜੇ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਊ ਤੋਂ ਡੀ ਗਈ ਡੀ ਤੋਂ ਜੇ ਗਈ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਸ਼ ਹੀ ਆਏਗਾ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਸ਼ ਹੀ ਆਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੈਸ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੈਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਸ਼ ਚੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੋਂਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ ਹੈਸ਼ ਤੇ ਹੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਹੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਲੱਗ ਦੋਨੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਈਦਰ ਔਰ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਈਦਰ ਔਰ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਟੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹੋ ਕਿ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਪਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ